गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका बाइक की कक्षा में। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आज जो अपन जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो जो इंजन जो चैप्टर चल रहा है उसी के अंदर जो अपन जो बातें पढ़ने वाले हैं वो आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारी सारी वो बातें ही आज डिस्कस करेंगे। आज का जो जो इसमें वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें अपन जो एंजाइम में गुण पढ़ रहे हैं, विशिष्ट गुण पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ द एंजाइम, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों जो पढ़ने जा रहे हैं वो अपन पढ़ रहे हैं एंजाइम में गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि एक क्वेश्चन बन सकता है और आगे भी आगे कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट भी है। तो एंजाइम के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या विशिष्ट जो प्रॉपर्टीज होती है जो इनको जो अन्य जो सब्सटेंसेस होते हैं या उनसे पृथक करती है या इनकी जो विशेषता को परिभाषित करती है, तो यही जो जिससे अपने मैं सारे के सारे सीरियल वाइज लिखे ताकि अपने इस वीडियो लेक्चर में सारे के सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए, इसलिए मैंने पहले लिख दी है ताकि ये अपना जो टॉपिक है कवर हो जाए। तो आज के जो वीडियो लेक्चर के अंदर जो अपन डिस्कस कर रहे हैं एंजाइम की विशिष्ट गुण, विशिष्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम, एंजाइम के विशिष्ट जो है वो गुण क्या क्या है, कौन कौन से। तो आपके सिलेबस वाइज बात करें तो आपको ये गुण आपको सारे के सारे जो 7 गुण है आपको याद होने, सबसे पहले आपको नाम याद करने हैं, फिर इनके अंदर लिखना क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें आएगी जो अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इनको पढ़ने का तरीका यही है कि आप इनको सबसे पहले आप इनको लिखो इस प्रकार से ताकि आपको याद हो जाए। सारे के सारे जो गुण हैं ये 7 गुण हैं। ठीक है, सारे के सारे गुण हैं वो ये 7 गुण हैं। और 7 गुण क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, इनकी क्या क्या इसमें आपको लिखना है, क्या इसमें आपको समझना है, तो वो अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको 7 के नाम याद होने चाहिए और जो विशिष्टता उसके 4 नाम है ये भी आपको याद होने चाहिए। ऐसे याद करने का तरीका, पढ़ने का तरीका क्या है कि सबसे पहले इसको आप याद करो कि गुणों की जो बात करते हैं एंजाइम के जो गुण होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं। तो ये 7 गुण होते हैं और इसमें ये विशिष्टता के अंदर 4 जो है गुण बोल सकते हैं अपन, ये है। तो इनको अपन को डिटेल में स्टडी करनी है। देखो 7 गुण कौन कौन से, बच्चों पहले तो प्रोटीन की प्रकृति के होते हैं एंजाइम, सभी एंजाइम जो प्रोटीन की प्रकृति होती है क्या होते हैं हम इनसे डिस्कस करेंगे। दूसरा होते हैं कोलोइडिक प्रकृति के होते हैं। तीसरी विशिष्टता होती है एंजाइम, स्पेसिफिसिटी पाई जाती है, इनमें विशेषता पाई जाती है। ठीक है, और विशेषता किस प्रकार की, निष्पक्ष विशेषता होती है जिसको एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी बोलते हैं। समूह विशेषता होती है, बंध विशेषता होती है, त्रिविम विशेषता होती है। जिस प्रकार से एंजाइम कार्य करते उस हिसाब से उनका नाम देते हैं। तो ये 3 जो कैरेक्टर हो गए, 3 गुण तो ये हो गए। चौथा गुण होता है एंजाइमों का वर्त आकार होता है। ठीक है, वर्त आकार होता है। वर्त आकार क्यों होता है, इनकी जो कोलोइडल प्रकृति होती है जिसकी वजह से इनका जो आकार होता है वर्त होता है, जो अपने पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी कई बार लाइन आ चुकी है उसमें। ठीक है, जो क्रियाकार को एक वर्त सतह प्रदान करता है। ठीक है, अभी जो सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, उसको अभिकारक होता है, उसको एक वर्त सतह प्रदान करता है क्रिया करने के लिए, इसके वर्त आकार जो भी पढ़ेंगे। 5वां पॉइंट अम्लीय सारे, दोनों प्रकार के क्रियाधारों से कार्य करने की क्षमता होती है या क्रिया करने की क्षमता होती है। ठीक है, क्रिया करने की क्षमता होती है। क्रिया करने की क्षमता होती है अम्लीय सारे दोनों ही प्रकार के क्रियाधारों से। ठीक है, चाहे अम्लीय क्रियाधार हो चाहे सारे क्रियाधार हो, दोनों ही प्रकार के जो क्रियाधार होते हैं उनसे जो ये क्षमता होती है, इनके अंदर क्रिया करने की क्षमता होती है। इसके बाद बात करें एंजाइम की जो इष्टता होती है, एंजाइम इष्टता क्या होती है वो बात करेंगे। बस 6वां पॉइंट है एंजाइम इष्टता। और 7वां जो पॉइंट है इसका वो है एंजाइम संबंध एवं निरोधन। तो ये बच्चों कुल मिला के 7 पॉइंट है जो एंजाइम के विशिष्ट गुणों को दर्शाते हैं। तो अपन को सबसे पहले बच्चों ये याद होने चाहिए कि इनके अंदर ये 7 पॉइंट कौन कौन से हैं। 7 पॉइंटों का आपको नाम याद होने चाहिए, फिर लिखना है इनके अंदर क्या वो बिल्कुल लीजिए। तो वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं इनके जो पॉइंट है, 7 पॉइंट है उनके वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे, जिससे आपके सिलेबस वाइज बुक में देगा उसी अनुसार डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, तो एंजाइम की बात करें तो एंजाइम की जिसे अपन दो तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी बात कर लेते हैं कि पहला जो इसमें गुण आता है वो आता है प्रोटीन की प्रकृति के होते हैं। ठीक है, प्रोटीन की प्रकृति के होते हैं। किसकी प्रकृति के, एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं, आपको पता ही है। एंजाइम किसके होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम किससे बने होते हैं, अपन को पता है प्रोटीन से बने होते हैं। जो ए प्रोटीन है वो राइबोसोम एक है, लेकिन जो ज़्यादातर जो एंजाइम होते हैं वो किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, एंजाइम किससे बने होते हैं बच्चों, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। पहली बात, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और प्रोटोकल जैसे अपने वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया, प्रोटीन के साथ साथ में क्या होता है, कुछ अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। दूसरा, इसमें कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं,
ठीक है, और कुछ आयन्स भी होते हैं और कुछ समूह भी होते हैं, ठीक है। तो ये अपन बात कर सकते हैं कि एंजाइम जो होते हैं किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और प्रोटीन के कई बार क्या होता है, प्रोटीन के साथ साथ में क्या होता है, इसमें कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, और कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ और इनके साथ साथ में कुछ और दूसरे समूह भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, जिस हिसाब से अपन ने इनको इसमें जो क्रियाकारी की या इसको जो क्रियाशीलता प्रोटीन क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं, इस प्रकार से अपन कह सकते हैं पहले पॉइंट में कि एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है, और प्रोटीन के साथ साथ में अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, कुछ आयंस होते हैं, समूह भी इसमें अंदर पाए जाते हैं, है ना। अब दूसरा जो पॉइंट आता है बच्चों इसके अंदर आता है दूसरा, कि जो प्रोटीन जो होते हैं सॉरी जो एंजाइम जो होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, एंजाइम जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, कोलोइडी प्रकृति के होते हैं। एंजाइम किस प्रकार के होते हैं, कोलोइडी प्रकृति के होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कोलोइड क्या होता है। सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि कोलोइड होता क्या है। कोलोइड का मतलब बच्चों क्या होता है, कोलोइड का मतलब है कि पदार्थ की चौथी अवस्था, द्रव होती है, ठोस होती है, गैस होती है, और कोलोइड चौथी अवस्था होती है, ठीक है। जैसे अभी वैज्ञानिकों ने पाँचवीं अवस्था और खोज ली है, ठीक है, लेकिन चार जो अवस्था होती है, चौथी अवस्था होती है, वो होती है ये ठोस और द्रव के बीच की अवस्था होती है, ठीक है, जो जिलेटिन प्रकार की होती है, मतलब है ना, जो अर्ध तरल प्रकार की आप बोल सकते हो, इस प्रकार की होती है। तो इनकी जो प्रकृति होती है कोलोइडी प्रकृति होती है, ठीक है। और कोलोइडी प्रकृति की वजह से क्या होता है, इनका जो आकार होता है वर्त आकार होता है। वर्त का मतलब होता है ये जो अपन सातों पॉइंट पढ़ेंगे देखना कौन सा है, छः पाँच चौथा पॉइंट है वो है ना वर्त आकार। तो इन कोलोइडी प्रकृति की वजह से क्या होता है, इनका आकार होता है वर्त होता है, वर्त मतलब बड़ा, लार्ज, लार्ज होता है। और लार्ज आकार होता है तो एक क्या होता है, बड़ी सतह या अधिक सतह मिलती है किसके लिए, क्रियाधार को क्रिया करने के लिए, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करें वर्त आकार की वजह से, है ना, कोलोइडी प्रकृति होती है, कोलोइडी प्रकृति से इनका आकार जो होता है वर्त होता है, वर्त आकार की वजह से क्रियाधार को क्रिया करने के लिए वर्त सतह प्राप्त होती है। और इससे क्या होता है, जो क्रिया होती है अभिक्रिया होती है तीव्र गति से संपन्न होती है, ठीक है, अभिक्रिया होती है वो तीव्र गति से संपन्न होती है। इसकी वजह से क्या हो जाएगी, जो अभिक्रिया होगी वो किस वजह से, तीव्र गति से संपन्न हो जाएगी, अभिक्रिया होगी वो तीव्र गति से क्यों हो जाएगी, क्योंकि अब क्रियाधार को एक वर्त सतह मिल गई कार्य करने के लिए, चिपकने के लिए, ठीक है, एंजाइम के ऊपर, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि एंजाइम जो होते हैं कोलोइडी प्रकृति के होते हैं, कोलोइडी प्रकृति की वजह से क्या होता है, कोलोइडी प्रकृति की होने के वजह से क्या होता है, उनका जो आकार होता है वर्त होता है, वर्त आकार होता है, क्रियाधार जो सबस्ट्रेट होता है उसको एक बड़ी सतह मिलती है, सरफेस, बड़ी सतह, कहीं पर वो चिपक सकते हैं वो, ठीक, क्रियाधार आके कहीं पर जुड़ सकते हैं। और जब एंजाइम और क्रियाधार जुड़ते हैं तो क्या होती है, अभिक्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, अभिक्रिया तीव्र गति से और कम समय में संपन्न हो जाती है। तो बच्चों ये था दूसरा पॉइंट, यहाँ तक अपने डिस्कस जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर उसके अंदर भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब बात करते हैं विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है विशिष्टता, विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी क्या होती है, विशिष्टता, निरपेक्ष विशिष्टता। निरपेक्ष का मतलब होता है एक, अकेला, निरपेक्ष, केवल एक, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। तो इसमें क्या होते हैं, विशिष्टता का मतलब पहले समझो, विशिष्टता का मतलब क्या होता है, एंजाइम जो होते हैं विशेष प्रकार की अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करते हैं, मतलब अभिक्रिया के प्रति विशिष्टता रखते हैं, ठीक है, विशिष्टता रखते हैं। विशिष्टता रखने का मतलब क्या होता है, जैसे मैं अभी बायो पढ़ा दूँ, मैं बायो ही पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं कि फिजिक्स पढ़ा दूँ, केमिस्ट्री पढ़ा दूँ, मैथ पढ़ा दूँ, मेरी विशिष्टता यह है कि मैं बायो ही पढ़ाऊंगा आपको, कल मैं ही आपको फिजिक्स वहीं केमिस्ट्री पढ़ा दूँ, है ना, तो उसमें विशिष्टता नहीं होगी ना। तो इसमें विशिष्टता का बात क्या है बच्चों, इसमें विशिष्टता यह है कि एंजाइम जो होते हैं वो विशिष्टता रखते हैं, अपनी अभिक्रिया के प्रति विशिष्टता रखते हैं, और वो एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। और इस किस प्रकार की अभिक्रिया उत्प्रेरित उसके आधार पर जो होती है, ये चार प्रकार से इसको आगे विशिष्टता को आगे विभाजित किया गया है। वो किस प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं उसके आधार पर क्या होती है, ये विशिष्टता को आगे विभाजित किया है। पहले आते हैं निरपेक्ष विशिष्टता। अब निरपेक्ष विशिष्टता का मतलब होता है केवल अकेली, कुछ एंजाइम जो होते हैं केवल एक ही प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, उनकी दूसरी प्रकार की अभिक्रिया से कोई मतलब नहीं है। कुछ जो एंजाइम होते हैं केवल निरपेक्ष, मतलब एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब केवल एक, ठीक है।
एंजाइम, कुछ जो एंजाइम होते हैं केवल एक ही प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, उत्क्रमित करते हैं, जैसे अपन बात करें उत्प्रेरित करते हैं केवल एक ही प्रकार की अभिक्रिया को, कुछ जो एंजाइम होते हैं केवल एक ही प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए आपको। जैसे यूरियज एंजाइम की बात करें, यूरियज एंजाइम केवल यूरिया का जल अपघटन करता है। यूरियज एंजाइम की बात करें तो यूरियज एंजाइम इसका एग्जांपल है, निरपेक्ष विशिष्टता का एग्जांपल क्या है बच्चों, यूरियज एंजाइम केवल यूरिया का जल अपघटन करता है, केवल और केवल यूरिया, तो एक ही होगी ना, एक ही अभिक्रिया, ये जो यूरियज एंजाइम है केवल इसी अभिक्रिया को, इसके जल अपघटन वाली अभिक्रिया इसी को उत्प्रेरित करेगा, यूरिया के जल अपघटन वाली अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करेगा, तो निरपेक्ष विशिष्टता होगी ना, केवल एक को ही उत्प्रेरित करेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये होगी आपके, इसमें आपके बात करें तो इसमें होगी यूरिया एंजाइम केवल यूरिया का जल अपघटन होता है, या जल अपघटन करता है, या यूरिया के जल अपघटन वाली जो अभिक्रिया उसी को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। दूसरी बात करते हैं समूह विशिष्टता, समूह है विशिष्टता, समूह है विशिष्टता, समूह है विशिष्टता, ग्रुप स्पेसिफिसिटी, नाम से पता चल रहा है क्या है, समूह है, समूह का मतलब क्या होता है, ग्रुप, एक बड़ा ग्रुप, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे अपन, यहां पर बात ध्यान रखें, समूह विशिष्टता का मतलब क्या होता है कि कुछ जो एंजाइम होते हैं, ठीक, एक विशेष प्रकार के समूह की जो अभिक्रियाएं होती है उन्हीं को उत्प्रेरित करते हैं, कुछ जो एंजाइम होते हैं एक विशेष समूह की जो अभिक्रियाएं होती है, एक विशेष समूह होता है, एक ग्रुप होता है, जैसे आपका बायो का ग्रुप है, एक मेथ का ग्रुप है, तो मैं आपको बायो वाले ग्रुप को पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरी एक समूह विशेषता भी बोल सकते हैं, मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, बायो वाले बच्चों सबको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समूह का मतलब क्या हो जाएगा, समूह का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रुप का मतलब क्या, समूह विशेषता का मतलब क्या हो जाएगा, कि समूह विशेषता का मतलब क्या है कि कुछ जो एंजाइम होते हैं विशेष जो समूह होती है उसकी अभिक्रिया उत्प्रेरित करते हैं। एग्जांपल से आप समझ जाओगे आपके, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल की बात करते हैं, हेक्सोकाइनेज है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, ठीक है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, ये क्या करता है, जो हेक्सो शर्करा होती है, हेक्सो शर्करा का मतलब क्या होता है, हेक्सो को मतलब तो सिक्स, सिक्स मतलब सिक्स कार्बन, ब्रैकेट में लिखा सिक्स सी का मतलब सिक्स कार्बन, तो मतलब हेक्सोकाइनेज एंजाइम है ये क्या करता है, जो सिक्स कार्बन वाली जितनी भी शर्कराएं होती है, चाहे फ्रक्टोज हो चाहे ग्लूकोज हो, जिसमें छह कार्बन होते हैं, ठीक है ना, तो जिसमें हेक्सो शर्करा मतलब छह कार्बन वाली शर्कराएं हैं, उन सभी को चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, मतलब सिक्स कार्बन वाली जो शर्कराएं हैं, तो समूह बन गया ना, तो ये क्या करेगा, एक एंजाइम एक ही है लेकिन इस पूरे समूह को उत्प्रेरित करेगा, तो ये क्या होगी, समूह इसकी विशेषता होगी, इसकी विशेषता है कि ये जो एंजाइम है इसकी पूरे समूह को क्या करता है, ये समूह को उत्प्रेरित करता है, ये इसकी विशेषता है, समूह विशेषता होगी। हेक्सोकाइनेज है वो मैंने क्या बताया, जो सिक्स कार्बन वाली जो शर्करा है उनको, सिक्स कार्बन वाली जो हेक्सो, चाहे अपन बात करते हैं फ्रक्टोज हो चाहे ग्लूकोज हो और भी जो कोई शर्करा होती है, ठीक है, तो सिक्स कार्बन जितनी भी शर्करा होती है उनको केवल एक एंजाइम उत्प्रेरित कर सकता है, वो कौन सा है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम, तो हेक्सोकाइनेज की होगी ना, पूरे समूह को ही उत्प्रेरित करता है, इस प्रकार की जो विशेषता होती है उसको क्या बोलते हैं, समूह विशेषता बोलते हैं। इसके बाद बच्चों देखो नेक्स्ट की बात करते हैं, तीसरा जो एग्जाम्पल आता है इसके अंदर आता है बंध विशेषता, नाम से पता चल रहा है बंध, बंध का मतलब था बॉन्ड, बंध विशेषता, बंध नाम से पता चला बंध का मतलब होता है बच्चों बॉन्ड, 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 तो यहां पर मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, यहां पर मेरा कहने का मतलब यह है कि बंध विशेषता से मतलब यह है कि कुछ जो एंजाइम होते हैं विशेष प्रकार के जो बंध बंध वाली जो अभिक्रिया होती है उसी को उत्प्रेरित करते हैं, एक स्पेशल बॉन्ड को ही वहाँ पर जाके वो उत्प्रेरित करते हैं, ये विशेष प्रकार के बंध वाली जो अभिक्रिया होती है उसी को उत्प्रेरित करते हैं, जैसे अपन बात करते हैं कि विशेष रासायनिक बंध को ही पहचान कर इस
की क्रियाशीलता दर्शाते हैं। मतलब एक जो कोई अभिक्रिया उसके अंदर मान लो कोई बंध है, तो एक विशेष प्रकार के जो रासायनिक बंध उसी को पहचानेंगे और उसी की जो होने वाली जो अभिक्रिया या उसी पर क्रियाशीलता दर्शाते हैं। जैसे बात करते हैं अपन एक जो राइबो न्यूक्लियस एंजाइम है, ठीक है, जैसे अपन राइबो न्यूक्लियस एंजाइम की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें इसकी, जैसे राइबो न्यूक्लियस एंजाइम की बात करें बच्चों, ठीक है, राइबो न्यूक्लियस एंजाइम, राइबो न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, ठीक है, राइबो न्यूक्लियस एंजाइम जो पिरिमिडिन है, पिरिमिडिन सार के 3' पर स्थित फॉस्फो डाइएस्टर का जल अपघटन करता है, का जल अपघटन करता है, ठीक है। मतलब समझे कि ये एक स्पेशल बॉन्ड है, 3' पोजीशन पर जो फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड है, ठीक है, जो 3' पोजीशन की बात करें कि जो 3' पोजीशन है, 3' पोजीशन आप जानते हो, आपने पढ़ा है, आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पता होगा, 3' पोजीशन में जो फॉस्फोडाइस्टर जो बंद होता है, ठीक है, बंद होता है थ्री, ठीक है, जो फॉस्फोडाइस्टर बंद होता है उसी को क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। मतलब समझ रहे हो आप, पिरिमिडिन सार केवल और केवल मतलब बंद विशेषता का मतलब कुछ एंजाइम होते हैं विशेष प्रकार जो रासायनिक बंद होता है उसको पहचानते हैं, वहीं पर क्रियाशीलता दर्शाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आपका जो पिरिमिडिन सार होती है, जो राइबो न्यूक्लियस एंजाइम है, ये राइबो न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, जो पिरिमिडिन सार के जो 3' पोजिशन पर जो फॉस्फोडाइस्टर बंद है उसी का जल अपघटन करते हैं, बाकी दूसरे जो 5' पोजिशन पर जो फॉस्फोडाइस्टर बंद है उसका नहीं करेंगे, केवल केवल 3' पर, जो 3' पोजीशन पर, 3' पोजीशन और 5' पोजीशन क्या होती है आपको पता है, आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं लिया तो पढ़ी थी, उसमें आपको पता होगा प्राइम का मतलब क्या होता है। तो ये जो पिरिमिडिन सार है, ये केवल और केवल जो 3' पोजीशन पर जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, बंद है, उसी को क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे, उसको जल अपघटन वाले अभिक्रिया उत्प्रेरित करेंगे, बाकी किसी के प्रकार की छेड़खानी कहीं पर नहीं करता है। नेक्स्ट आता है त्रिविम विशिष्टता। त्रिविम विशिष्टता आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आइसोमेरिज्म जो होती है, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, है ना, स्टीरियो आइसोमर्स त्रिविम समावी जो होते हैं, आपको पता होगा कि एक कोई जो सब्सटेंसेस होता है या एक कोई भी कंपाउंड होता है ना, तो एक कोई भी यौगिक हो सकता है, एक कोई भी जो पदार्थ उसके जो त्रिविम समावी हो सकते हैं, एक से अधिक त्रिविम समावी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि त्रिविम समाविता की बात करें, त्रिविम समाविता की बात करें, त्रिविम विशिष्टता की बात करें, तो यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ जो एंजाइम होते हैं विशिष्ट प्रकार के जो त्रिविम समावी स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं या त्रिविम समावी होते हैं उसी के प्रति रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। जैसे यहाँ पर बात करते हैं एमिनो अम्ल, जैसे इसका बात कर रहा हूँ चौथे का ना, तो यहाँ पर बात करते हैं एमिनो अम्ल ऑक्सीडेज, ये जो एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है, ये क्या होता है, अमीनो अम्ल के दो त्रिविम समावी होते हैं, एक तो होता है एल जिसको लेवो बोलते हैं, एल अमीनो अम्ल, और एक होता है डी जिसको डेक्स्ट्रो बोलते हैं, अमीनो अम्ल, ठीक है। तो ये अमीनो अम्ल ऑक्सीडेज है, ये केवल और दो समावी होते हैं, इसके अमीनो अम्ल के दो त्रिविम समावी है, ठीक है, एक तो एल एमिनो अम्ल है और दूसरा डेक्स्ट्रो एमिनो अम्ल है, एक लिवो एमिनो अम्ल है और दूसरा डेक्स्ट्रो एमिनो अम्ल है। तो ये जो एमिनो अम्ल ऑक्सीडेज है, ये केवल एल एमिनो अम्ल जो है इससे जो अभिक्रिया होती है उसी को उत्प्रेरित करते हैं, मतलब इसकी जो अभिक्रिया होती है उसी को उत्प्रेरित करते हैं, दूसरी अभिक्रिया को उत्प्रेरित ये नहीं करते हैं, ठीक है। इस ये एल एमिनो अम्ल वाली जो अभिक्रिया होती है, एल एमिनो अम्ल क्रियाधार होता है, इसी की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, डी एमिनो अम्ल वाली को उत्प्रेरित नहीं करते। त्रिविम समावी विशिष्टता होगी ना, त्रिविम विशिष्टता मतलब स्पेशल प्रकार के जो त्रिविम समावी है उनमें से एक स्पेशल जो समावी है उसी को अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, दूसरे को अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं करता है ना। तो ये बच्चों ये थी आपके यहाँ विशिष्टता की बात थी, जो एक इसमें अपन को टाइम लगता है ना।
ये चारों पॉइंट विशिष्टता वाले थे कि चारों पॉइंट जो अपने डिस्कस किए हैं, ये विशिष्टता निरपेक्ष विशिष्टता, निरपेक्ष का मतलब होता है केवल एक ही प्रकार की अभिक्रिया उत्पेदित, जैसे यूरिया जंजन के लिए यूरिया को यूरिया के जल अपघटन वाली अभिक्रिया को ही उत्पेदित करता है। दूसरा था समूह विशिष्टता, जैसे ये क्या कुछ एंजाइम होते हैं पूरे समूह को ही समूह की अभिक्रिया को उत्पेदित करते हैं, जो समूह से होने वाली अभिक्रिया, जैसे अपने एक्जोकाइनेज है, ये एक्जो शर्करा होती है उसकी, एक्जो जितनी भी एक्जो शर्करा उनकी जो अभिक्रिया उनको उत्पेदित करता है, जैसे शिक्षा वाले। फिर बंध विशिष्टता, बंध विशिष्टता का मतलब क्या होता है, कुछ एंजाइम होते हैं विशिष्ट प्रकार के, विशिष्ट प्रकार के जो बंध होते हैं उन्हीं को पहचान कर उनकी क्रियाशीलता दर्शाते हैं, वहाँ पर क्रियाशीलता दर्शाते हैं। जैसे अपन बात करें कि राइबो न्यूक्लियस एंजाइम में ये जो पिरिमिडिन सार होते हैं, पिरिमिडिन सार के जो थ्री प्राइम पोजिशन पर जो फॉस्फोडाइस्टर जो बंध होता है उसी का क्या जल अपघटन करने वाले अभिक्रिया उत्प्रेरित करते हैं, वही दूसरी अभिक्रिया को ये किसी प्रकार की क्रियाशीलता नहीं दर्शाते हैं। फिर आता है त्रिविम विशिष्टता, तो त्रिविम विशिष्टता मतलब मैंने बताया कि कुछ त्रिविम समावयवी होते हैं, जो रसायन होते हैं उनके त्रिविम समावयवी होते हैं। त्रिविम समावयवी का मतलब क्या होता है कि इनके दो रूप होते हैं, एक तो लेवो होता है, डेक्स्ट्रो होता है, ठीक है, एल मतलब एल और डी, ठीक है। तो इस प्रकार से एमिनोमल की बात है, एमिनोमल की दो त्रिविम समावयवी यहाँ पे एल एमिनोमल है, डी एमिनोमल है, तो जो एमिनोमल ऑक्सीडेज है केवल एल एमिनोमल की जो अभिक्रिया होती है, ठीक है, ये एल एमिनोमल वाली जो अभिक्रिया उन्हीं को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है, बाकी दूसरी अभिक्रिया को ये उत्प्रेरित नहीं करता है, ठीक है। दूसरी प्रकार जो अभिक्रिया है उनको उत्प्रेरित नहीं करेगा, है ना, डी एमिनोमल वाली जो अभिक्रिया उनको उत्प्रेरित नहीं करेगा, केवल और केवल किसको, एल एमिनोमल वाली जो अभिक्रिया उन्हीं को उत्प्रेरित करता है। इसके बाद बच्चों जो आता है इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है वर्त आकार, ठीक है, ये आता है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है वर्त आकार, लार्ज साइज, लार्ज साइज। वर्त आकार का मतलब क्या है बच्चों, वर्त नाम से पता चल रहा है इनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। बड़ा क्यों होता है मैं बता रहा हूं कि एंजाइम है किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, और प्रोटीन की प्रकृति क्या होती है, कोलोइड होती है, कोलोइड होती है, और कोलोइडी प्रकृति की वजह से क्या होता है, इनका वर्त आकार होता है, कोलोइडी प्रकृति की वजह से क्या होता है, इनका आकार क्या होता है, वर्त आकार। यहां तक आगे अब देखो यहां पर वर्त आकार से क्या मतलब है, आकार वर्त होता है तो इसका क्या होता है, एक मतलब क्या होता है, इनका जो सतह होती है वो ज्यादा मिलती है, ठीक, क्रियाधार को एक बड़ी सतह मिलती है, वर्त सतह मिलती है क्रियाधार को, क्रियाधार जो होता है, ठीक है, क्रिया जो सूक्ष्म क्रियाधार होते हैं, क्रियाधार क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, जो सूक्ष्म क्रियाधार है, सूक्ष्म क्रियाधार को एक वर्त सतह प्राप्त होती है, ठीक है, वर्त सतह प्राप्त होती है, ठीक है, एक बड़ी सतह प्राप्त होती है, और बड़ी सतह प्राप्त होगी इससे क्या हो जाएगी बच्चों, अभिक्रिया होगी, जो अभिक्रिया होगी वो क्या हो जाएगी, अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है, ठीक है, अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है। तो ये वर्त आकार का ये फायदा हो गया कि वर्त आकार की वजह से क्या हो जाएगी कि क्रियाधार जो होंगे, क्रिया जो सूक्ष्म क्रियाधार होंगे उनको वर्त सतह मिलती है, और वर्त सतह पर जो ये बहुत सारे क्रियाधार जुड़ के क्या होते हैं, अभिक्रिया जो होती है वो तीव्र गति से और कम समय के अंदर जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चों आज की कक्षा के अंदर अपन जो पॉइंट डिस्कस किए वो प्रोटीन की प्रकृति की बात की, इसकी कोलोइड की प्रकृति की बात की है, फिर विशिष्टता की बात की, और वर्त आकार की विशिष्टता के अंदर चार पॉइंट थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाले थे, इसके अंदर अपने जो टाइम दिया है डिस्कस करना जरूरी था। तो ये आपको टिप्स पे आपको याद होने चाहिए, अगली कक्षा के अंदर अपने तीन पॉइंट बचकर आगे के जो इसको प्रभावित करने वाले कार्य में एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले जो कार्य उनके बारे में डिस्कस चालू करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना बहुत है, आगे के वीडियो लेक्चर के अंदर अपन जो बचे हुए जो पॉइंट है उनके बारे डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट आपको सारे के सारे आपको लाइन होने चाहिए, आपको टिप्स पे होने चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है ना, इनके एग्जाम्पल जरूरी है आपके सारे के सारे, ठीक है।